इस्तेमाल करता हूँ हमारे शहर जिले के अंदर। मेरी खुशनसीबी है कि ओम बिरला जी जिस क्लासरूम के टीचर है वहां का एक छात्र हूं मैं। लोकसभा में पहली मरतबा जब गया पहला ही दिन था कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी कि कैसे गुजरेंगे पांच साल। पहला दिन जब आया और स्पीकर साहब अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगा कि पांच साल हंसते खेलते निकल जाएंगे। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि राजनीति अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब स्पीकर साहब अपनी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो किस तरह से हर एक सदस्य के साथ इंसाफ किया जाए। मैंने ओम बिरला जी से तो देखा है सीखा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 11 बजते हैं और वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रात में 2-2 बजे तक भी सदन चलता है और वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं। जिन लोगों ने सांसदों को चुनकर वहां पर भेजा है वो आपकी आवाज सुन सके, वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को वहां पर पेश कर सके। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं जब एक सदन का आखिरी दिन चल रहा था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आखिरी दिन स्पीकर का लाया गया था जो आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में था। मैं थैंक्स बोलने के लिए जब ओम बिरला जी के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आप बोलिए। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ ओम बिरला जी ने जब मुझे एनकरेज किया, मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम बोलिए, बोलने से फायदा होगा, तो उस दिन खड़े रहकर मैंने 11 मिनट बोला और उन्होंने मुझे 11 मिनट बोलने की इजाजत दी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा फायदा जरूर होता है। मैं ओम बिरला जी आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने इस शहर के बारे में, जिले के बारे में आपने सब सुना है कि कितना पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इच्छा शक्ति हमें कम हो रही है। आपके दोनों तरफ जो बैठे हुए मंत्री है उसे ये कह दीजिएगा कि हम विकास के मामले के ऊपर हम सब एक ताकत बनकर एक साथ मिलकर हम लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र को हम बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस शहर के अंदर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पूरी दुनिया में सर कहीं पर भी नहीं है। अजंता है एलोरा, 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एक शहर में 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है हमारे पास है। लेकिन क्यों टूरिस्ट आएगा जब यहाँ पर हवाई जहाज का कनेक्शन नहीं है, जब हमारे पास एयरलाइन कनेक्टिविटी ही नहीं है। एयरलाइंस आते हैं, आज इस शहर की हालत यह है कि सुबह की फ्लाइट है तो शाम की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। जब टूरिस्ट कैसे आएगा यहाँ पर, मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर एयरलाइन कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पर बढ़ाने के लिए अगर आपने सहयोग किया तो यकीन मानिए इस क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा और टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मैं रेलवे के लिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि रेलवे के लिए तो आपने दांगे साहब को मंत्री बनाया है और यकीनन वो एक साल के अंदर जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत अच्छा हिसाब देकर जाएंगे, वो एक साल के अंदर बहुत अच्छा कुछ करके जाएंगे। लेकिन मैं ओम बिरला जी आपसे महज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम थोड़े से नाराज है आपसे इसलिए आप बहुत कम वक्त के लिए आए यहाँ पर। अगर आप औरंगाबाद में अगर बीवी का मकबरा नहीं देखे वो मोहब्बत की निशानी है। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में और बीवी का मकबरे में फर्क इतना है कि ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया गया था, बीवी का मकबरा जो है वो अपनी माँ के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि यहाँ पर अजंता एलोरा तो हम जितने भी यहाँ पे हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे हम सब आपको न्योता देते हैं। अगर मैंने बरसात शुरू होने वाली है बहुत खूबसूरत मंजर होता है, एक बार दोबारा आप हमारे शहर में आइए और देखिए कि हमारे शहर में कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीजें हैं। मैं सिर्फ आपके मुस्कुराने के बारे में बहुत सारे लोग कहते रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी की मुस्कुराने को कहो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी से वास सके तो दिल में प्यार, ओम बिरला उसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच।